दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड एक ज़बरदस्त अपडेट के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप नया डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हुई नजर आ रही है और ओला इलेक्ट्रिक ओला की जो बाइक्स आती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल आती हैं वो काफी ज्यादा बिकती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ से रिलेटेड एक जबरदस्त अपडेट आई है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ओला इलेक्ट्रिक हैज एंगेज्ड इन बैंक्स कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड गोल्डमैन सैक्स फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ इन अर्ली 2024। यानी कि ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड है वो अपना आईपीओ लाने के बारे में विचार कर रही है और ये आईपीओ जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अर्ली 2024 यानी कि 2024 के पहले दूसरे महीने में ही ये आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है और इसके लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं इंगेज्ड इन्वेस्टमेंट बैंक्स यानी कि जो बैंकर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होता है आईपीओ का, उसके लिए इन्होंने बैंकर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर हो सकती है और ओला का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा धूम भी मचा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी बाइक्स बिकती हुई नजर आ रही है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे यहाँ पर अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप एम्स टू गो पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर डिसकंटिन्यूड। यानी कि देखिए, अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी भी दे रही है, मतलब अपनी तरफ से भी पैसा दे रही है। तो ये जो सब्सिडी है वो बंद हो इसके पहले ओला चाहेगी कि अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आए। तो दोस्तों ये जो है इनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो मार्केट में लिस्ट हो, इसीलिए दोस्तों ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल सकता है। दोस्तों आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल गोल्डमैन सैक आर करेंटली इन एडवाइजरी टॉक टू बी सेलेक्टेड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर विद द कोटक क्लोजली कोलाबरेटिंग विद द स्टार्टअप टू डिटरमाइन द आईपीओ स्ट्रक्चर। यानी कि जो कोटक महिंद्रा कैपिटल है वो आईपीओ को स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में, देखिए जब आईपीओ आता है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कितनी वैल्यूएशन है कंपनी की, शेयर प्राइस क्या होगा और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, वो सेबी को भेजा जाता है, सेबी वेरीफाई करता है, उसके बाद ही मार्केट में आईपीओ ओपन होता है अप्लाई करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बनना यहां पर स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहां पर अगर बात करें कि कब तक ये आईपीओ आएगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, द कंपनी इज लाइकली टू फाइल द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एंड लॉन्च द आईपीओ बाय द एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो 2023 से 24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर टू के लास्ट में ये जो है अपना डीआरएचपी सबमिट कर सकते हैं। यानी कि अगर महीने की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के आसपास ये डीआरएचपी सबमिट कर सकते हैं और लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में यानी कि मार्च तक ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 2024 के शुरू में ही आईपीओ यानी कि जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों में किसी भी समय ये आईपीओ मार्केट में हो सकता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है, रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ईवी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आईपीओ कितना प्रॉफिटेबल होगा। बाकी इसकी जो जानकारी है फाइनेंशियल है और जब जैसे ही इसकी अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट करेंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।